इमरान खान 5000 साल की जो रिटन तारीख है उनमें उन चंद लोगों के अंदर आ गया, शामिल हो चुका है कि जिन्होंने अपनी कौमों के लिए आज़ादी की मशाल रोशन की और उनके दिलों के अंदर, आने वाली नस्लों के दिलों के अंदर आज़ादी, खुद मुख्तारी और हुर्रियत की ऐसी शमा रोशन की कि जो शमा फिर आज तक तारीख में जिंदा है। ये लोग बहुत कम मिलते हैं, तमाम तरह हथकंडों के बावजूद, तमाम तरह हालात वाकत के बावजूद 8 फरवरी का खौफ सिर्फ अहले इक्तदार के दिलों में गूंजता है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स के दिल में न हारने का खौफ है न जीतने की तमन्ना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन, यानी यहाँ तक कि वो नौजवान जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उनके दिलों में भी कोई हारने का खौफ नहीं है। वो समझते हैं कि अगर वो इस जद्दोजहद के अंदर अगर कामयाब हो गए तो जाहिर बात है उन्होंने हक अदा कर दिया। पहली दफ़ा किसी लीडर के बारे में मैं आम लोगों से सुनता हूँ कि उसको क्या ज़रूरत थी कि जेल में पड़ा रहता, वो हमारे लिए क्या है। आज तक ये फिक्रा किसी शख्स को नसीब नहीं हुआ कि वो हमारे लिए कैद काट रहा है, वो हमारे लिए सब बर्दाश्त कर रहा है, वरना बड़ी आसाइश के जिंदगी गुजार सकता है।